आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 192। अब आप बोलोगे सर ये सेक्शन 192 क्या होता है, और इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और जब आप जॉब करने जाओगे तो भी काम आएगा। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूँ आपको। पहले तो सेक्शन 192 किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है टीडीएस सैलरी पे काटने के लिए। यानी अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो आप उसका टीडीएस काटोगे, यानी कि पूरी सैलरी ना देके कुछ पैसे काट के गवर्नमेंट को जमा कराओगे। टीडीएस तो यही बताया था आपको, पूरी पेमेंट ना करके सामने वाले का कुछ पैसा काट लो और उसे गवर्नमेंट को जमा करा दो। अच्छा, जमा कराना और ये सारी चीजें तो बाद में सीखना है, अभी हम सिर्फ रूल सीख रहे हैं कि किसका टीडीएस काटना है और कितना काटना है। अब बात करते हैं कि भाई सब सैलरी किसी को दे रहे हैं। अच्छा बताओ, मैं किसी को 10,000 सैलरी दे रहा हूं तो क्या मुझे टीडीएस काटना है? आप बोलोगे नहीं। किसी को 20,000 दे रहे हो तो टीडीएस काटना है? नहीं। आपको टीडीएस तब काटना है जब आप किसी को इतनी सैलरी दे रहे हो कि उसका इनकम टैक्स बने। आप किसी को इतनी सैलरी दे रहे हो कि सामने वाले का इनकम टैक्स बने। अच्छा एक बात आपको बता दूं, लगभग हर कंपनी किसी ना किसी एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देती ही है जिसका टीडीएस काटना पड़े। अच्छा अब आप बोलोगे कितना, जरा याद करो। मैंने बताया था अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो 5 लाख तक तो रिबेट मिल जाती थी ना, तो अगर उसकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा हुई तो टीडीएस काटोगे। और अगर न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर रहा है और उसकी सैलरी 7 लाख से ज्यादा हुई तो टीडीएस काटोगे। लेकिन कितना टीडीएस काटेंगे, आगे जब टीडीएस के सेक्शन पढ़ोगे तो बड़ा आसान है, 5% काटना है, 10% काटना है, 15% काटना है, ऐसे कुछ रेट होंगे। लेकिन यहां पे ऐसे कोई रेट नहीं है। सैलरी में बोला क्या जाता है, कोई भी अगर सैलरी दे अपने इंप्लॉई को, कोई भी, यानी अगर मैं सैलरी दे रहा हूं या कोई कंपनी सैलरी दे रही है या कोई भी सैलरी दे रहा है अपने इंप्लॉई को, इंप्लॉई चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, मैं ऐसे को सैलरी दे रहा हूं चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, तो आपको स्लैब रेट से टीडीएस काटना है। अब बात आती है कि ये स्लैब रेट क्या होता है, मतलब आप पहले तो ये चेक करो कि उस आदमी की पूरी सैलरी कितनी बनेगी, उस पूरी सैलरी पे टैक्स कितना बनेगा। मान लेते हैं कि आपने हिसाब लगाया कि यार ये तो पूरे साल में 48,000 रुपए का टैक्स देगा। मान लेते हैं आपने हिसाब लगाया, यानी आपको हिसाब कैसे लगाना, आपको इनकम टैक्स आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इसको इतनी सैलरी दे रहा हूं तो इतनी इतनी पूरे साल में इतनी सैलरी ले जाएगा। फिर उससे पूछो सर कोई आपकी ATC से ATU तक डिडक्शन तो नहीं है, आपकी कोई अदर इनकम तो नहीं है, ऐसी सारी डिटेल आप उससे मांगो। जब आप पूरी डिटेल मांगोगे तो आपको उसकी पूरी इनकम पता चल जाएगी। आप उससे ये भी पूछोगे कि सर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज कर रहे हो या फिर न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर रहे हो। अच्छा वो कहता है मैं तो न्यू टैक्स रेजिम में चूज करूंगा, तो न्यू के हिसाब से उसका टैक्स निकालो। उसका टैक्स कितना बनता है मान लेते हैं आपको पता चल गया 48,000 रुपए, और आपके पास ये कितने महीने काम करने वाला है, मान लेते हैं पूरे 12 महीने काम करने वाला है, तो आप कहोगे 48,000 को 12 से डिवाइड कर दो और हर महीने कितना टीडीएस काटेंगे 4,000। तो क्या ये कोई फ्लैट है कि इतना परसेंट टीडीएस काटना है? नहीं, ये बल्कि कैसे है, स्लैब रेट से। कौन से रेट से? स्लैब रेट से टीडीएस काटना है। अब स्लैब रेट क्या हो गया भाई, इनकम टैक्स का जो रेट है उसके हिसाब से आपको टीडीएस काटना है। यानी सैलरी में टीडीएस काटने के लिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा उसका टैक्स कितना बनता है पूरे साल में। अच्छा अब टैक्स कैसे बनता है, सैलरी तो आपको पता होगा भाई, किसी की भी सैलरी आपको पता होगी कि मैं इसको इतनी सैलरी देने वाला हूं। क्या आप उससे और भी डिटेल मांगोगे कि और दूसरी इनकम कौन सी है? हाँ, आप उससे और डिटेल मांगोगे कि सर क्या आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, वो भी बताएगा। आप उससे पूछोगे क्या कैपिटल गेन भी होने वाला है, क्या बिजनेस भी करते हो। लेकिन एक बात बता दूं, जब भी जितनी ज्यादा टैक्स बनेगा उतना ज्यादा टीडीएस काटोगे आप। मान लेते हैं अगर टैक्स बना 60,000 तो आप कहोगे 60,000 डिवाइड बाई 12 यानी कि 5,000 रुपए हर महीना काटूंगा। यही बात समझ आ रही है? तो जितना ज्यादा टैक्स बनेगा उतना ज्यादा आप टीडीएस काटोगे। तो कोई भी इंप्लॉई अपनी दूसरी इनकम बताना चाहेगा क्या आपको? नहीं। तो यानी आपको मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन के साथ समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? मान लेते हैं कोई इंप्लॉई आता है मेरे पास, वो क्वेश्चन के साथ साथ पूरा समझते जाना, डिटेल में आपको पूरा एक बार में आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा। कोई इंप्लॉई आता है मेरे पास जॉब करने, और जॉब करने आता है और बोलता है कि भाई सर 1 अप्रैल को ही आ रहा है, 1 अप्रैल 2024, ठीक है? आते ही मेरे से बोलता है सर मैं ना आपके पास जॉब करना चाहता हूँ, मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया, बढ़िया आदमी था, मैंने कहा चलो भाई आपको 1,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे दूंगा मैं, ठीक है? ये डन हो गया। इसने कहा ठीक है सर 1,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी बहुत है और मैं आज से जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है? अब मैंने इससे बोला कि एक बात बताओ, आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे या न्यू टैक्स रेजिम में? अच्छा बताओ मैं क्यों पूछ रहा हूँ इससे,
भाई वो तो अगले साल वो आईटीआर भरेगा, लेकिन मैं अभी क्यों पूछूंगा, क्योंकि मुझे उसका इनकम टैक्स कितना बनेगा वो आज ही निकालना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसे जॉब पे रख रहा हूँ मेरे को तभी निकालना पड़ेगा, ताकि मैं क्या करूं हर महीने टीडीएस काट सकूं। समझ आ रहा है? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं 1,00,000 × 12 लाख रुपए सैलरी मिलेगी इसको, 12 लाख रुपए सैलरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं टैक्स बनेगा, टैक्स बनेगा तो क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? हाँ, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 192 में टीडीएस काटना चाहिए। तो मुझे आज ही उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी, उसका टैक्स निकालना पड़ेगा, उसका कितना टैक्स बनेगा। अब टैक्स निकालते समय मैं उससे क्या क्या पूछूंगा, सबसे पहले तो सैलरी तो मुझे पता ही है, मैं उससे बोलूंगा ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है सर आपको कि न्यू टैक्स रेजिम में। मैं एक बात बता दूं, ज्यादातर इंप्लॉई को यह समझ ही नहीं आता कि भाई साहब ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर अकाउंटेंट का इंप्लॉई हुआ तो पता होगा ना उसको, अगर वो नॉर्मल इंप्लॉई हुआ, मान लेते हैं आईटी लाइन का हुआ या फिर किसी और लाइन का इंजीनियर हुआ, तो आप थोड़ा ना उससे बोलोगे कि भाई बताओ ओल्ड टैक्स रेजिम में न्यू टैक्स रेजिम में, आप तो बोलोगे। अगर उसको पता है तो वो बोल देगा सर मेरा ओल्ड चूज कर लो, मेरा न्यू चूज कर लो, या फिर वो बोलेगा मेरे को ये सब नहीं पता, यही बोलेगा कि सर मेरे को तो ये सब नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं, आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा मेरा चूज करोगे। ठीक है, तो कंपनी वाले को आप, कंपनी वाले क्या, कंपनी ये सब काम नहीं करेगी, लेकिन कंपनी का अकाउंटेंट तो करेगा ना। तो आप अकाउंटेंट हो, आपको पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका फायदा किसमें, क्योंकि हर कोई चाहता है टैक्स कम से कम दे, तो आपको पहले हिसाब लगाना पड़ेगा इसका ओल्ड टैक्स रेजिम में फायदा है या इसका न्यू टैक्स रेजिम में फायदा है। तो सबसे पहले मैं उससे क्या पूछूंगा, मैं बोलूंगा देख भाई तेरी अच्छा वो खुद बोल दे ओल्ड या न्यू, तब तो वही उसी हिसाब से कंसीडर कर लेना। वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को नहीं पता ये सब, तो आप पहले ओल्ड से भी निकालो और फिर न्यू से भी निकालो, और फिर बोलो कि यार आपका ना न्यू में फायदा है या फिर आपका ओल्ड में फायदा है, तो जो फायदा है उसके हिसाब से उसका टीडीएस काटना। चलो मैं करके दिखाता हूं। मान लेते हैं मुझे उसका पता है सैलरी तो फिक्स है 1,00,000 रुपए पर मंथ। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा उससे कि सर आपकी दूसरी इनकम कोई सी है तो बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर चार हेड और होता है ना, मैं उससे बोलूंगा बताओ जरा आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या, उस इसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे रखा है। अच्छा सोच के बताना सच सच, क्या दे भी रखा होगा तो आपको बताएगा, आप बताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर वो उसने आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता दी तो उसकी सैलरी और बढ़नी जाएगी, उसकी इनकम और बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो आप टीडीएस ज्यादा काटोगे, तो वो क्यों बताएगा आपको? तो वो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो नहीं बताने वाला, ये मैं 100% कह रहा हूं, कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है, तो वो नहीं बताएगा आपको इसके अलावा, बल्कि कई लोग तो पूछते भी नहीं है, कहते हैं बताएगा नहीं तो क्या पूछना। तो सैलरी पता चल गई, हाउस प्रॉपर्टी पता चल गई, तीसरा क्या है, कैपिटल गेन। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल गेन क्या बताया था आपको मैंने, कि कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे पुराने टाइम में और आज बेच रहे हो, ठीक है, या फिर ज्वेलरी कभी खरीदा था आज बेच रहे हो, एक बात बताओ इस साल में बेचोगे कि नहीं बेचोगे, कितने में बिकेगा? अभी अभी से तो आपको वैसे भी नहीं पता होगा, तो कैपिटल गेन तो पहले से बता पाना ही मुश्किल है, तो कैपिटल गेन तो वैसे भी, और अगर बताना अभी फिक्स भी हो गया है तब भी नहीं बताएगा वो, क्यों बताएगा भाई अपनी इनकम कोई क्यों बताएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप पूछते हो कि और कोई इनकम बताओ, कौन सी और इनकम हो सकती है, बिजनेस वाली। एक बात बताओ कि आप बिजनेस की इनकम पहले से बता सकते हो कि कितनी इनकम मेरी होने वाली है, तो वो भी आइडिया नहीं लगेगा, और अगर पता भी हो तो भी नहीं बताने वाला। चलो इसके अलावा अदर सोर्स, क्या अदर सोर्स की इनकम बताएगा? भाई वो पागल आदमी थोड़ा ना बैठा है कि आपको इनकम बताएगा और उसकी उसका टैक्स ज्यादा बनेगा, आप ज्यादा टीडीएस काटोगे, तो वो अपनी कोई इनकम नहीं बताने वाला, तो ये तो चारों पूछना भी मत। लेकिन एज ए अकाउंटेंट आपको पूछना चाहिए, पहले ये चारों इनकम पूछो, यानी सारी इनकम उसकी पता हो जानी चाहिए आपको। चलो भाई मुझे उसकी सारी इनकम पता चल गई, उसके बाद मुझे और क्या पूछना चाहिए, क्या डिडक्शन भी पूछना चाहिए? बिल्कुल, आपको इनकम भी पूछनी चाहिए और आपको डिडक्शन भी पूछना चाहिए। तो डिडक्शन आप उससे पूछोगे कि क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर लोगे, क्या आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। मान लेते हैं वो कह रहा है हाँ हाँ मेरी तो डिडक्शन है 80C से 80U तक, वो कह रहा है मेरी तो 2,00,000 रुपए की डिडक्शन आ जाएगी, लेकिन तब आएगी जब ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करूंगा, अगर न्यू चूज करने वाला हूं तो कोई भी नहीं आने वाला, तो ओल्ड में आएगी 2,00,000 की डिडक्शन, और अगर आप न्यू चूज करते हो तो डिडक्शन 0 है। मान लेते हैं ये चीज उसने आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहला अब आपका काम क्या है, आप बोलोगे बहुत आसान काम है, सबसे पहले तो मैं निकाल लूंगा ओल्ड से कितना टैक्स बनता है और न्यू से कितना टैक्स बनता है। लेकिन मैंने इसको समझाते समझाते आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताई, याद रखना आपको ये टीडीएस काटना है 192 सैलरी पे, तो आपको उसकी सारी इनकम कंसीडर करनी है, सारी इनकम जो वो आपको बता दे, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं। अगर उसने बता दिया होता कि वो जोश जोश में बोल देता, अरे अपना तो मकान है 2,00,000 रुपए किराया आता है, तो क्या आप बोल इसमें डालोगे? नहीं, आपको डाल के इसे जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर वो आपको कोई इनकम बताता है तो आपको वो कंसीडर करना है, ठीक है। वो आपको कोई
अपना डिडक्शन बताता है तो वो भी कंसीडर करना है, समझ आ रहा है? तो इनकम और डिडक्शन दोनों को कंसीडर करना है, आप उसे इग्नोर नहीं करोगे क्योंकि आप तो सैलरी पे टीडीएस काटने जा रहे हो। रूल है कि इनकम भी देखना होती है, बाकी सारी और डिडक्शन भी। तो चलो चेक करते हैं, बल्कि चेक क्या करना है मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, दो मिनट के अंदर फटाफट बताओ, मैं भी करूंगा कैलकुलेट, बट मैं आपको दो से तीन मिनट का ही टाइम दूंगा कि ओल्ड पे इसका कितना टैक्स बनेगा और न्यू पे कितना टैक्स बनेगा। आप इसे क्या सजेस्ट करोगे, ओल्ड लो या फिर न्यू लो, आप फटाफट देखो। बहुत आसान सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। 12 लाख की सैलरी, डिडक्शन है 2 लाख की, अगर ओल्ड चूज करता है न्यू चूज करता है तो कोई डिडक्शन नहीं है, फटाफट। वेरी गुड यार, यही स्पीड चाहिए मेरे को, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, ठीक बताया कि नहीं आपने, पता चले जोश जोश में गलत बता दिया जल्दी जल्दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बिल्कुल माइनस होगी ना, अब ये सब भी बताऊंगा, दिल तोड़ रहे हो तुम सब मेरा, आसान आसान चीज नहीं बता पा रहे हो। चलो अब मैं निकालता हूँ, एक बार फिर से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपसे इंप्लॉई खुद से बोलता है मुझे न्यू टैक्स रेजिम में चाहिए या फिर मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में चाहिए, तो अब आपके पास जिस जो वो चूज करेगा वही आप उसी हिसाब से इनकम निकाल लो उसकी। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है ओल्ड या न्यू, तो आप ये बोल सकते हो कि तुम डिसाइड करो। अगर आपके अंदर ज्यादा एटीट्यूड है तो आप उसे बोल सकते हो कि तुम डिसाइड करो भाई, मैं यहाँ खाली बैठा, मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट किया सर प्लीज 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 आप बताओ ना ओल्ड लेना चाहिए या न्यू, तो आप क्या करोगे, दो मिनट की मेहनत करके ओल्ड से भी निकाल लो और न्यू से भी निकाल लो। तो मैं आपको अच्छा आदमी बनना सिखा रहा हूँ इसीलिए मैं निकालूंगा दोनों से। तो पहले ओल्ड से निकालते हैं भाई, ओल्ड से सबसे पहले तो उसकी सैलरी की इनकम कैलकुलेट करो। आप बोलोगे 12 लाख, लेकिन ओल्ड में क्योंकि डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, और एक बात और बता दूं, ओल्ड में और भी डिडक्शन मिलती है जैसे एचआरए वगैरह की मिलती है, लेकिन हमें वो नहीं कंसीडर अभी मैं कर रहा है क्योंकि मुझे वो सब कहां निकालना चाहिए, इनकम टैक्स में सीखना है, नहीं तो एचआरए का समझाने बैठ गया तो बहुत सारे बहुत झंझट होंगे, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता। चलो भाई एक तो सैलरी हो गई, इसके अलावा और क्या बताओ फटाफट बताओ, सॉरी उसके बाद इसकी अदर सोर्स की कोई इनकम हमें पता ही नहीं है, तो 11,50,000 ही इसकी इनकम दिख रही है मुझे, और इसमें अगर मैं 80C से 80U तक की डिडक्शन लूं तो वो मेरे को 2 लाख रुपए की मिल जाएगी। तो मेरी इसकी इनकम अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करता है तो 9.5 लाख रुपए आती है, ठीक है? ये क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम, और इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर इसकी एज 60 साल से कम है तो 0 से 2.5 लाख तक 0%, यानी कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी कि 12,500, और 5 लाख से 9.5 लाख तक 20%, विच इज इक्वल टू 90,000। तो 90,000 आने के बाद 1,12,500। ध्यान रखना सरचार्ज भी जोड़ना पड़ेगा, कितना 25,000 तो नहीं 2500 आएगा ना, हाँ तो वो मैं जानू उसकी गलती किया था, ठीक है? अब देखते हैं, मैं देख रहा था कि तुम सब सही से जोड़े हो कि नहीं, 102500 यही है क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे 4%। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं किसी भी तरीके से डिडक्शन वगैरह घटा के इसकी इनकम 5 लाख हो जाती, तो 5 लाख हो जाती तो इसका टैक्स तो बनता 0 क्योंकि रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो एक बात बताओ क्या इसका फिर टैक्स टीडीएस कुछ भी काटते हैं अब, नहीं क्योंकि टैक्स नहीं बन रहा तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब 4% जोड़ के फटाफट बता दो, 4100, तो ये कितना आ गया 106600, क्या यही आ रहा है, ठीक है? तो ये इसका टैक्स बनता है अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करता है तो, ठीक है? ध्यान रखना इनकम भी कंसीडर करनी है दूसरी, और डिडक्शन भी कंसीडर करनी है, इनकम भी कंसीडर करनी है और डिडक्शन भी कंसीडर करनी है। इसके अलावा बताओ जरा क्या है, न्यू टैक्स रेजिम में चूज करता तो सैलरी कितनी होती, आप बोलोगे 12 लाख माइनस 75,000, और 75,000 घटाते कितना बचता है 11,25,000। इसके अलावा और कोई इनकम है नहीं तो 11,25,000 ही इसकी इनकम है, और इसका डिडक्शन वगैरह भी कुछ नहीं मिलते 80C से 80U तक, तो यही आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती। और अगर यही इनकम आ रही है तो जरा टैक्स निकाल लेते हैं कितना बनेगा, तो 0 से 3 लाख तक 0%, यानी 0, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, यानी कि 20,000, और 7 लाख से 10 लाख तक 10%, विच इज इक्वल टू 30,000, और 10 लाख से 12 लाख तक 15%, ठीक है? 10 लाख से 11,25,000 तक फटाफट बताओ कितना 15%,
आपने निकाला 18,750, टोटल भी बता दो 68,750, और इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% जोड़ लो, कितना 2,250, 2,750, टोटल बता दो एक बार 71,500, ये टोटल टैक्स बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वो सामने वाला पर्सन, एक बात और बता दूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज रिबेट सारा कुछ कंसीडर करने के बाद देखोगे, सामने वाले को बताओ अगर वो आपसे पूछता है, ध्यान रखना पूछेगा नहीं, वो खुद से कहेगा मेरे को ओल्ड चाहिए, तो ओल्ड ही कंसीडर करना, आप जबरदस्ती नहीं करना कि नहीं सर आपका तो न्यू में फायदा है, आपको क्या मतलब, अगर वो बोलता है आप क्या हो, बताओ आप क्या हो, आप इंप्लॉई हो, किसके इंप्लॉई हो, उस कंपनी के जो कंपनी सैलरी दे रही है, और कंपनी का रूल है कि अगर कंपनी, जरूरी नहीं है कंपनी कोई भी हो, चाहे सिंगल पर्सन हो चाहे इंडिविजुअल, मैं कोई कंपनी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं भी किसी को इतनी सैलरी दे रहा हूं तो मुझे भी टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? हाँ। अच्छा आगे चल के समझेंगे और भी रूल, लेकिन अभी इतना समझो कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा सैलरी दे रहे हो, आप कोई भी हो, आप अगर एक लिमिट से ज्यादा जहां उसका टैक्स बनेगा आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मुझे, अगर मैं सैलरी दे रहा हूं मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, कोई कंपनी सैलरी दे रही है कंपनी को टीडीएस काटना पड़ेगा, कैलकुलेट कौन करेगा? आप अकाउंटेंट, कंपनी के अकाउंटेंट कैलकुलेट करोगे कि किसका कितना टीडीएस काटना है, आप डिसाइड करोगे ओल्ड या फिर न्यू, आप नहीं डिसाइड करोगे, डिसाइड तो सामने वाले को करना चाहिए जिसका टीडीएस कटेगा, यानी जो जॉब कर रहा है आपके पास, जिसको सैलरी दे रहे हो, लेकिन उसने खुद से नहीं बताया तो आपने दिमाग लगा के बोल दिया भाई न्यू ले लो, न्यू में तुम्हारा फायदा है। तो कितने रुपए का है बन रही है सैलरी? 71,500 डिवाइड बाई 12, क्योंकि कितने महीने काम करने वाला है आपके पास, वो 12 महीने, तो आप क्या करो, आप 71,500 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 5,958.33, तो 33 तो राउंड ऑफ में आप कर दो, तो 5,958 पर मंथ टीडीएस काट लो, टीडीएस डिडक्ट कर, अगर वो न्यू टैक्स रेजिमे चूज करता है तो 5,958, यानी जब पहले महीने की मैं सैलरी दूंगा तो उसको बोलूंगा देख भाई ये रही तेरी सैलरी 1,00,000, माइनस मैंने आपका टीडीएस काट लिया, कितना टीडीएस काट लिया 5,958, तो जो भी बैलेंस बचेगा उतनी सैलरी उसको दो। अच्छा मेरा फायदा हो गया क्या? मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, जो मैंने कम का, जो मैंने ये कितना आ रहा है पहले एक बार बता दो, 94,042 रुपए ये आ रहा है, ठीक है, अगर मैंने गलत भी कैलकुलेट किया हो तो बता देना अभी, तो इतनी सैलरी आप इंप्लॉई को दोगे सिर्फ कितनी 94,042, और 5,958 रुपए किसको दोगे? गवर्नमेंट को। तो आपकी जेब से तो पूरे कितने जाने हैं? 1,00,000, बल्कि आपका एक काम बढ़ गया, सीधा 1,00,000 उसको दे देते तो काम खत्म था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसको दिए 94,042, 5,958 गवर्नमेंट को दिए, तो कुल मिला के आपकी जेब से अभी भी 1,00,000 गए, और आपका एक काम क्या बढ़ा, अब आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा, अब आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो कुल मिला के आपका काम बढ़ा, लेकिन काम बढ़ने से किसका फायदा हुआ? अकाउंटेंट का, और गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ, जो टैक्स जो फ्यूचर में मिलने वाला था वो अभी मिल गया, जो टैक्स शायद चोरी हो जाता वो अब चोरी नहीं होगा क्योंकि आपने टीडीएस काट के जमा कराया, तो अब उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप बोलोगे एक बात बताओ, ये हमें समझ आ गया, क्या हर कंपनी हर महीने काटती है? ध्यान से सुनो, मैं तो क्योंकि प्रैक्टिकली काम करता हूं, कई सारी कंपनियों का हम टीडीएस काट के जमा करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना, रूल क्या है, रूल जो मैंने अभी आपको बता दिया वो है हर महीना काटो, हर महीना जमा करो, पर प्रैक्टिकली कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, ध्यान से सुन लो बात को, प्रैक्टिकली कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, और हो सकता है आपकी कंपनी भी यही काम करे, ध्यान से सुन लो, इसीलिए अच्छे से बता रहा हूं, कंपनी क्या कर सकती है, 9 महीने तक कोई टीडीएस नहीं काटेगी, क्योंकि कंपनी को लगता है बड़ा झंझट है यार, एक बार काटो फिर जमा कराओ, काटो फिर जमा कराओ, तो बड़ा झंझट है, कंपनी कहती है 9 महीने तक हम कुछ नहीं काटेंगे, सिर्फ कहां काटती है, लास्ट के 3 महीने में, तो शुरू के 9 महीने तक कई कंपनियां क्या करती हैं, टीडीएस ही नहीं काटेंगी आपका, कोई टीडीएस नहीं काटेंगी। ध्यान रखना, अगर आप एम्प्लॉई हो और आप अकाउंटेंट हो कंपनी के, कंपनी ने आपको बोला कि जैसा रूल है वैसा करो, तो आप क्या करोगे, हर महीना काटोगे। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर लास्ट के 3 महीने में काटेंगे ना, अभी आराम करने दो मेरे को थोड़ा सा, ऐसे तो थोड़ा ना बोलोगे, तो आपको क्या करना चाहिए, हर महीने काटना चाहिए एज पर रूल, जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। बट कई कंपनियां, और ये छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती हैं, शुरू के 9 महीने कोई टीडीएस नहीं काट रही, हर कंपनी नहीं करती बट कई कंपनियां करती हैं, और लास्ट के 3 महीने में काटती हैं बस। तो लास्ट के 3 महीने में, जैसे अभी इसका टोटल कितना टैक्स बन रहा था, 71,500, तो 9 महीने तक तो 1,00,000 रुपए पूरा दे देंगे, कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, और करेंगे क्या, 71,500 डिवाइड बाई 9, सॉरी डिवाइड बाई
तीन, क्योंकि शुरू के तीन नौ महीने तक कोई टीडीएस नहीं काटे, तो लास्ट के महीने तीन महीने में 71,500 डिवाइड बाई तीन, ये आ गया 23,833.33, तो लगभग इतना टीडीएस लास्ट के तीन महीने में हर महीने काट लेंगे। तो कई कंपनियां ऐसा भी करती हैं। अब आप बोलोगे हमें क्या करना है, सच सच बताओ, तो सच सच मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो आप हर महीना काटो, हर महीना जमा कराओ, ठीक है। लेकिन आपसे स्पेसिफिकली कंपनी बोलती है कि यार क्या हर महीने का, कंपनी आपसे सीनियर जो है वो आपको बोलता है लास्ट के तीन महीने में काटेंगे, ये हमारा रिवाज चला आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, उनका रिवाज फॉलो करना और लास्ट के तीन महीने में टीडीएस काटना, समझ आ गया। तो अगर लास्ट के तीन महीने में काटना पड़े तो समझ आ गया कैसे है, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी का टीडीएस बहुत ज्यादा बन रहा है तो लास्ट के महीने में मत काटना तीन महीने में, नहीं तो तीन महीने तक कोई पैसा ही नहीं आएगा उसके पास, ठीक है। और आपको उससे क्या मतलब है, मान लेते हैं उसका महीने का सैलरी है 5,00,000 रुपए, महीने की सैलरी है मान लेते हैं 5,00,000 रुपए, और उसका टैक्स बन रहा है कैसे भी 20,00,000, मान लेते हैं कैसे भी। अब आप ये मत बोलना कि ऐसे कैसे बन सकता है, मैं एक रफली एक बात बोल रहा हूँ, किसी की सैलरी है 5,00,000 रुपए पर मंथ, और मान लेते हैं किसी भी रीजन से उसका टैक्स बन रहा है 20,00,000 रुपए, तो लास्ट के तीन महीने में काट ही नहीं पाओगे ना, 5,00,000 काटोगे तीन महीने में तो भी तो 15,00,000 ही हुआ। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पहले से चलना कि भाई क्या लास्ट के तीन महीने में पॉसिबल है काटना या फिर नहीं है काटना। चलो आप कुछ कंपनियों का और बताता हूँ, कुछ कंपनियां इससे भी ज्यादा तेज होती है, वो क्या कहती है यार ये क्या हर महीने काटे, और लास्ट के तीन महीने भी तो बड़ा झंझट है, एकदम आखिरी महीने में काटेंगे ना, 11 महीने तक छोड़ो, 12वें महीने में जो टीडीएस बनता है काट लेंगे। तो कई कंपनियां क्या करती है, एकदम 12वें महीने में, कौन से 12वें महीने में, कितना बन रहा है भाई 71,500 ना, तो 11 महीने तक नो टीडीएस, पूरे पैसे आपको दे दिए जाएंगे, और लास्ट महीने में पूरा 71,500 का टीडीएस काट लेंगे। ये बहुत कम कंपनियां करती हैं, मतलब ना के बराबर कंपनियां करती हैं, जिनका सामने वाले का टैक्स बन रहा है 15,000-20,000, तो कहते हैं 15,000 में भी क्या ही काटे हर महीने, सीधा एक बार में काट लेंगे, ठीक है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, एकदम आखिरी महीने में काटती हैं, 11 महीने तक कोई टीडीएस नहीं, आखिरी महीने में टीडीएस काट लेती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, 9 महीने तक कोई टीडीएस नहीं काटती, लास्ट के 3 महीने में काटती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, हर महीने टीडीएस काटती रहती हैं, समझ आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो क्लियर हुआ। अच्छा अब आप कहोगे कि लास्ट बार बता दो हमें क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3-4 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि पता चले आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए यही चीज और आप बोलो हम लास्ट के तीन महीने में काटेंगे, नहीं इंटरव्यू या फिर रूल के हिसाब से, रूल क्या है हर महीने काटना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब कई सारे क्वेश्चन दूंगा, मुझे बताना बहुत सारी चीजें पर मैं रटवाना नहीं चाहता, इसीलिए क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप। तो जैसे कई सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है आप देखोगे, तो इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता भी दूं, तो क्या कोई लॉस देगा तो लॉस को कंसीडर करना है कि नहीं, कोई कहेगा मेरा तो बिजनेस में लॉस होने वाला है तो मेरा तो टैक्स नहीं बनेगा तो माइनस करके करें, उसका क्या करना है। अगर आपने दो जगह जॉब की, हो सकता है ना कई लोग दो जगह जॉब करते हैं, 4 महीने एक जगह जॉब किए, 8 महीने एक जगह जॉब किए, तो कैसे टीडीएस काटेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज है जो मुझे आपको बताना है। अच्छा जॉब कर रहे हैं बीच में सैलरी बढ़ गई, क्योंकि पहले तो आप कम जॉब पे टीडीएस काट रहे थे, मान लेते हैं देखो ऐसा हुआ कि भाई आपको सैलरी दे रही है कंपनी वाला 1,00,000 रुपए महीना, 6 महीने तक आप काम किए, हर महीना टीडीएस काट रही है ये जो भी 5,000 कुछ रुपए का काट रहा है, ठीक है। पता चला 7वें महीने में आपने बॉस को घूमते हुए देख लिया किसी के साथ, ठीक है मान लेते हैं जस्ट सपोज, फिर आपने वीडियो बना ली, फिर बॉस के पास आपने बोला कि सर आप उसके साथ घूम रहे थे मैंने देखा है, आपकी बीबी को बता दूंगा। अब बॉस ने बोला आज से तुम्हारी सैलरी 2,00,000 रुपए, तो अब भाई सैलरी बढ़ गई बीच में। देखो मैं गलत एग्जांपल ले रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बताओ आप। अब भाई उसकी सैलरी बढ़ गई तो टीडीएस भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन शुरू के 6 महीने में तो मैंने कुछ और टीडीएस काटा था, तो कैसे कंसीडर करना। तो ये सारी चीजें मुझे आपको समझाना है, क्योंकि प्रैक्टिकली यही आपको पता होना चाहिए जब आप जॉब करने जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको तक, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, बल्कि एग्जाम्पल के साथ ही हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, वो जो नई जॉब नया कोई आ रहा है, दो जगह जॉब कर रहा है, 3 जगह जॉब कर रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर करता हूँ। एक और आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, मान लेते हैं आज कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2024 को मान लेते हैं आपके पास कोई आ रहा है जॉब के लिए। अब आपको निकालना है, पर आपने इसको 3,00,000 रुपए पर मंथ जॉब ऑफर किया कि हर महीने हम आपको 3,00,000 रुपए देंगे, हर महीने आपको 3,00,000 रुपए देंगे। साथ में इसने खुद ही बोल दिया और कि न्यू टैक्स रेजिम चूज कर रहा हूं। आपने बोला वेरी गुड सर, सर और कोई इनकम, वो बोल रहा है तो बहुत सारी लेकिन बताऊंगा नहीं, ठीक है। आपने कहा अच्छी बात है सर, हमें तो वैसे भी नहीं जाननी, आपकी सैलरी इतनी है 3,00,000 रुपए पर मंथ और आप चूज कर रहे हो न्यू टैक्स रेजिम। अब फटाफट बता दो आप इसका
टोटल टीडीएस कितना काटोगे और पर मंथ टीडीएस कितना काटोगे, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ। तो पता नहीं क्यों आप लोग ये इतना स्लो कर रहे हो, फटाफट करते हैं एक बार। देखो अब आपके पास जॉब करने आया कब, 1 अक्टूबर 2024 को। अब ध्यान से सुनना, आपके पास अक्टूबर 2024 को जॉब करने आया, तो इस साल आपके पास कितने महीने जॉब करने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी इस साल आपके पास 6 महीने ही जॉब करने वाला है। तो आप उसकी जो इनकम भी कंसीडर करोगे वो कितनी कंसीडर करोगे, 6 महीने की, तो 3 लाख × 6 मंथ, तो टोटल 18 लाख की सैलरी मिलने वाली है उसको आपसे, माइनस 75,000 जो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 17,25,000 रुपए की उसकी सैलरी मानी जाएगी। इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, तो यही इसकी फाइनल इनकम है। अब इस पर टैक्स कितना बनेगा, अब आप बोलोगे वो शॉर्टकट यूज करो, 0 से 15 लाख तक 1,40,000 था, और 15 लाख से ऊपर जो भी है 17,25,000 तक वो 30% है, कितना 67,500, तो ये कितना आ गया 2,07,500, यही आ रहा है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना 8,300, तो ये कितना आ गया 2,15,800। भाई ये इतने टोटल सामने वाले की सैलरी बनने वाली है। अब कई कंपनियां जैसा कि मैंने बताया कि क्या करेंगी, अभी नहीं टीडीएस काटेंगी, लास्ट के 3 महीने में काटेंगी, कोई कंपनियां एकदम आखिरी मंथ 3 मंथ में काटेंगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 लाख की सैलरी है, 2,15,800 का टीडीएस है, तो लास्ट मंथ में काट लोगे तो उस आदमी के पास 70-80,000 ही आएगा। पर रूल के हिसाब से चलते हैं हम, इस पे नहीं चलते हैं कि 3 महीने में काटेंगे या 1 महीने में काटेंगे। रूल क्या है, हर महीने काटना चाहिए, तो आपको हर महीने कितना काटना चाहिए, 2,15,800, और हर 6 महीने तो काम करेगा, तो 6 महीने से डिवाइड करो, ठीक है, तो 6 महीने से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना 35,966 समथिंग, जो भी आप बता रहे, 667 यही आ रहा है सबका, तो 35,967। भाई कई लोगों ने यहां से 12 से डिवाइड कर दिया होगा, 12 से डिवाइड तो तब करोगे जब आपके पास 12 महीने करेगा, तो 12 बार काटोगे ना, आपको कितनी बार काटना है, 6 बार, तो 6 से डिवाइड करो, 35,967 रुपए के आसपास इसको हर महीने टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, पॉइंट क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, मैं धीरे धीरे और भी चीजें पे जाऊंगा, और एक चीज और बताता हूं आपको, क्या कोई लॉस बताए तो लॉस कंसीडर करना है, जैसे कोई बोल रहा है, आप उससे पूछते हो, आपके पास आया कोई, मैंने आपको क्या बोला, इनकम कंसीडर करना है, सारी इनकम, यानी आप उससे सारी इनकम पूछोगे कि भाई सब सैलरी की इनकम क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है, और किसकी इनकम क्या है, फटाफट बताओ, कैपिटल गेन, बिजनेस की इनकम क्या है, वो बताने वाला नहीं है, इनकम तो नहीं बताने वाला वो, क्योंकि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको इनकम बता दे और ज्यादा टीडीएस कटवा ले, तो इनकम तो कोई नहीं बताने वाला। लेकिन अगर कोई बताता है इनकम तो कंसीडर करना है, हाँ कंसीडर करना है। क्या कोई डिडक्शन बताता है तो कंसीडर करना है, हाँ। अगर कोई बोलता है यार मैंने तो ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया है, इतनी डिडक्शन मिलनी चाहिए, तो आप वो माइनस करोगे कि नहीं करोगे, हाँ। लेकिन हाँ प्रूफ लेना, ये नहीं कि वो कह रहा है मैंने 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस पे किया है तो आप बोलोगे हाँ भाई रुक जाए 1,00,000 घटा देता हूँ, या आप बोलोगे कि इंश्योरेंस की कॉपी दे दो, समझ आ रहा है, तो इंश्योरेंस की कॉपी दे दो, तो ऐसी कई सारी डिडक्शन होती है। अब आप बोलोगे कि यार एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं कि मैं गया अप्रैल 2024 में, जिंदगी में पहली बार जॉब लगी है, और सीधा जॉब लग गई 3,00,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, और पहले महीने हिसाब करने लगे और बोला कि टीडीएस तुम्हारा काटना है हमें, तो पहले महीने ही बोलेगा बताओ आप कौन सा चूज कर रहे हो, ओल्ड या फिर न्यू। मान लेते हैं उसने बोल दिया मैं ओल्ड चूज कर रहा हूं, और उसने बोल दिया यार मैं ना जुलाई अगस्त में जाके ना एक इंश्योरेंस लूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो मैं कभी भी ले सकता हूं, एक इंश्योरेंस लूंगा, उस इंश्योरेंस में मैं 5,00,000 रुपए का इंश्योरेंस लूंगा, तो वो 5,00,000 रुपए में जितना मेरे को अलाउड है, मान लेते हैं 1,50,000 अलाउड है, तो 1,50,000 माइनस कर देना एटीसी में, डिडक्शन एटीसी से एटीयू तक में 1,50,000 माइनस कर देना। अब आप बोलोगे यार एक बात बता प्रूफ दे दे, वो कहेगा प्रूफ तो है ही नहीं, समझ आ रहा है, तो कई कंपनियां क्या करती हैं प्रूफ के बिना भी टीडीएस काटना शुरू कर देती हैं, ये मान के कि चलो भाई दे देंगे, लेकिन उनसे ये बोलती हैं लास्ट तक सबमिट करा देना। तो आप अकाउंटेंट हो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता है आप बोल एक डेट दे दो कि दिसंबर तक सबमिट करा देना, तो दिसंबर तक या जनवरी तक की डेट दे दो, या फरवरी तक की, मार्च की मत देना, मतलब फरवरी तक की डेट दे दो, भाई फरवरी तक सबमिट करा देना। अब मान लेते हैं वो सबमिट नहीं करा पा रहा है, मान लेते हैं आपने पूरा टीडीएस अब तक काट लिया था, आपने हिसाब लगाया कि भाई 12 लाख का टैक्स बनता है मान लेते हैं, और आप हर महीने कितना काट रहे हो, 1,00,000 रुपए हर महीने काट रहे हो, और मान लेते हैं 10 महीने बीत गए, तो 10 महीने तक आपने कितना काट लिया उसका, 10,00,000 रुपए, ठीक है, और अब आपने बोला कि भाई प्रूफ जमा करा दो,
क्योंकि हमने आपको यहां तक का टाइम दिया था कि आपको प्रूफ जमा करा देना है। अब मान लेते हैं प्रूफ जमा नहीं करा पाया, तो अब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा। और मान लेते हैं आपके हिसाब से टैक्स आ रहा है अब 13 लाख रुपए, पहले कितना टैक्स आ रहा था 12 लाख रुपए, तो 13 लाख का अब टैक्स आ रहा है। आपने 10 महीने तक 10 लाख काट लिया है, अब आपके पास 2 महीने बच रहे हैं और आपके हिसाब से टैक्स कितना रिवाइज हो गया है, 3 लाख बच रहा है ना, क्योंकि 13 लाख काटना पड़ेगा आपको, तो अब आप बाकी के 2 महीने में 3 लाख काट लो, यानी 1.5 लाख रुपए अब काट लो। तो समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं भाई, मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला नॉर्मल रूल क्या है, आप शुरू में ही कैलकुलेट कर लो और शुरू में ही किसी का टैक्स काटना शुरू कर दो, हर महीने पहले से ही निकाल लो कि कितना किसी की इनकम होने वाली है। लेकिन एक बात बताओ, क्या फिक्स हो सकता है किसी की इनकम उतनी ही हो? इनकम बढ़ भी सकती है बीच में जाके, साल के बीच में जाके इनकम घट भी सकती है, वैसे ही डिडक्शन भी। जैसे डिडक्शन वाली एक बात बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, आपने बोला उससे कि भाई आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे, उसने बोला हाँ, ठीक है, उसने बोला मेरे को 1.5 लाख की डिडक्शन चाहिए होगी, कब चाहिए होगी, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस लेने वाला हूं, अभी तो मैंने नहीं लिया लेकिन इस साल लूंगा, तो मेरे को वो डिडक्शन दे देना। आपने वो 1.5 लाख की डिडक्शन कंसीडर कर दी, कंसीडर करके उसका टैक्स बना मान लेते हैं 12 लाख रुपए, और आपने उसको एक डेट दे दी कि भाई सब जनवरी तक जमा करा देना, दे सकते हो ना आप इतना, तो आप एहसान कर ही सकते हो ना सामने वाले पे कि भाई जनवरी तक जमा करा देना आप प्रूफ। अब जनवरी तक उसने जमा नहीं करा पाया, वो बोला इंश्योरेंस नहीं ले रहा मैं, तो जनवरी तक आपने सिर्फ 10 लाख रुपए का टीडीएस काटा है, क्योंकि आप सोच रहे थे इसका टैक्स कितना बनेगा 12 लाख, अब पता चला कि यार इसका टैक्स तो बन रहा है 13 लाख रुपए, क्योंकि उसने डिडक्शन नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि प्रूफ नहीं दिया उसने। तो अब आपके पास कितना टैक्स बच रहा है, 3 लाख और काटना पड़ेगा ना भाई, टोटल 13 लाख काटने थे, अगर शुरू से पता होता तो 13 लाख को 12 से डिवाइड करके हर महीना काटते, अब शुरू से पता नहीं था, अब तक आप 10 लाख काट चुके हो, तो कहते हैं लास्ट के 2 मंथ में कवर कर लो ना, कितने काटने हैं टोटल 13 लाख, तो लास्ट के 2 मंथ में इसके कवर कर लो, तो कवर करने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, 3 लाख रुपए बाकी के 2 महीने में काट लो, तो कितना कितना काट लो 1.5 लाख रुपए। तो जरूरी नहीं है कि हर महीने 1-1 लाख टीडीएस कटता हुआ आया तो आगे भी आप 1-1 लाख ही काटोगे, आप आगे रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, किसी की सैलरी कम भी तो हो सकती है, बिल्कुल किसी की सैलरी कम भी हो सकती है, तो अगर किसी की सैलरी कम होगी और आपने टीडीएस पहले ही काट लिया है ज्यादा, तो अब आगे मत काटना। तो जरूरी नहीं है कि फिक्स ही चलेगा हर महीने, इसीलिए इन सब झंझट से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, लास्ट के 3 मंथ में ही काटती हैं, इन सब झंझट से बचने के लिए कि भाई बार बार ये चेंज करना पड़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ा दी कम कर दी फिर क्या करेंगे, तो लास्ट के 3 महीने में काटेंगे, ताकि लास्ट के 3 महीने में हिसाब लगा लेंगे कि भाई इसकी इनकम कितनी बन रही है, ठीक है। तो इसीलिए कई कंपनियां लास्ट के 3 महीने में काटती हैं, बट इस चीज को समझाने के लिए एक मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं आपको, ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते हैं कि भाई आपने किसी को सैलरी दिया 1.5 लाख पर मंथ, और आपने ये सोचा था कि पूरी जिंदगी इसको 1.5 लाख रुपए पर मंथ ही दूंगा, होता है ना, जब कोई जॉब पे आया अप्रैल में ही आ गया है आपके पास, अप्रैल में ही आपके पास आ गया है जॉब करने के लिए, आपने डिसाइड किया है 1.5 लाख रुपए पर मंथ दूंगा, हमेशा दूंगा, करते 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 करते, और उसके हिसाब से आप टीडीएस भी काटते जा रहे हो, जो हिसाब लग रहा है आपको, जो आपको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से आप टीडीएस काटते जा रहे हो। टीडीएस काटते काटते आपको साल के लास्ट में पता चला, जैसे कि आपको फरवरी में पता चला कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा आदमी है, इसको तो सैलरी कम दे रहा हूं मैं, इसको तो 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देनी चाहिए, तो आपने जाके लास्ट के फरवरी और मार्च में इसकी सैलरी बढ़ा दी, लास्ट के 2 महीने में आपने इसकी सैलरी बढ़ा दी, जो पहले थी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, अब कितनी कर दी 3 लाख रुपए पर मंथ, और ये आदमी चूज करता है न्यू टैक्स रेजिमे। और ध्यान से सुनना, आपको पहले से नहीं पता था, अगर आपको पहले से पता होगा कि फरवरी में मैं सैलरी बढ़ाऊंगा तो आप पहले से उसके हिसाब से काटोगे टीडीएस, लेकिन आपको पहले से नहीं पता था, आप तो ये सोच के चले थे कि जब तक ये मेरे पास काम करेगा मैं 1.5 लाख ही दूंगा, लेकिन जनवरी में हुआ कुछ चमत्कार और आप बड़ा खुश हो गए इससे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, और फरवरी से आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी है। तो अब आप ये बताओ, पहले तो अप्रैल से लेके जनवरी तक आप कितना टीडीएस काटोगे, जब आप उसको सिर्फ 1.5 लाख रुपए सैलरी देते थे, और फरवरी और मार्च में जब आपको पता चल गया अब मैं इसको सैलरी बढ़ा के दूंगा, तो आपको कितना टीडीएस और काटना पड़ेगा, एक बार दिमाग लगाओ, फिर मैं इसे सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, करो एक बार। चलो भाई, तुम सब बहुत तेज काम करते हो, मेरे को ही करना पड़ेगा आखिर थोड़ा बहुत काम। देखो इधर भाई, जब आपके पास कोई आया सैलरी के लिए, कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही उसको बोल दोगे, या आपके एग्रीमेंट में पहले से ही होता है कि सर हम जनवरी तक आपको 1.5 लाख रुपए देंगे और फरवरी मार्च में 3 लाख देंगे। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले से है, तो आप उसकी टोटल सैलरी ऐसे जोड़ोगे कि भाई साहब इसकी सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए फॉर 10 मंथ और
3 लाख रुपए फॉर 2 मंथ। तो ऐसे मल्टीपल करके आप इसकी टोटल सैलरी निकालोगे, फिर उसके हिसाब से आप टीडीएस कैलकुलेट करोगे कि इतना टीडीएस काटना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज तो तब है जब आपको पहले से पता हो। तो अभी हम पहले से पता की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई वो आपके पास अप्रैल में आया था और आपने सोचा था हम इसको लास्ट तक 1.5 लाख रुपए पर मंथ ही देंगे। तो आप भाई साहब 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आप तो सोच रखे थे 12 महीने तक पूरा यही लेगा हमसे 1.5 लाख रुपए पर मंथ, यानी उसकी सैलरी कितनी होने वाली है 18 लाख रुपए। और उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे 75,000, यानी आप कहने वाले हो कि भाई साहब इसको तो 17,25,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है हमसे, ऐसा ही है। अब 17,25,000 सैलरी पे क्या टैक्स बनेगा, 0 से 15 लाख तक आपका 1,40,000 और 15 लाख से 17,25,000 तक आपका 30%, जो कि कितना आ रहा है 67,500 और ये कितना आ गया 2,07,500। ये आपका टोटल टैक्स आपको लग रहा है कि ये पूरे साल में बनेगा प्लस 4% सेस, वो कितना आ रहा है 8,300। तो ये आपके हिसाब से कितना आ गया एक बार जोड़ के बताओगे 2,15,800। यानी आपके हिसाब से इस पर्सन को हम 2,15,800 का टीडीएस, इसका पूरा इनकम होना चाहिए, इतना टीडीएस काटना चाहिए। तो आप इसको डिवाइड करोगे कितने से 12 से, और आप 2,15,800 डिवाइड बाई 12 तो 17,983 रुपए पर मंथ टीडीएस काटना शुरू कर दोगे। आपको तो यही लग रहा था कि लास्ट तक यही चलेगा, ठीक है। 10वें महीने तक यानी 10 मंथ तक, यानी कि आप मान के चलो जनवरी तक आपने इसका कितना टीडीएस काट लिया होगा 17,983 × 10 यानी 17,983 इतने रुपए का टीडीएस काट लिया होगा आपने इसका और गवर्नमेंट को जमा करा दिया होगा। क्या यहां तक क्लियर है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पक्का यहां तक क्लियर है, पक्का ना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब फरवरी और मार्च में आपने डिसाइड किया यार इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, इसकी सैलरी अब हो जाएगी 3 लाख रुपए पर मंथ। तो भाई इसकी इनकम बढ़ गई, इनकम कितनी हो गई इसकी, अब क्योंकि आपको रिकंसीडर करना पड़ेगा, रिकंसीडर करना पड़ेगा कि भाई सब इसकी इनकम बढ़ गई। तो अब इसकी इनकम देखो, 10 महीने तक इसने 1.5 लाख रुपए लिया और 2 महीने तक ये 3 लाख रुपए लेगा, क्या ऐसा ही है। तो मतलब 15,06,000 यानी इसकी जो सैलरी एक्चुअल में आ गई वो कितनी आ गई 21 लाख रुपए, ठीक है। अब 21 लाख रुपए सैलरी आ गई तो इसमें से क्या घटाओगे, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दो तो कितना आ गया 20,25,000। यानी अब इसकी इनकम आपको अब क्या दिख रही है 20,25,000। तो टीडीएस भी इसके हिसाब से काटना चाहिए था, इसके हिसाब से अगर देखें टैक्स कितना बनता है, 0 से 15 लाख तक आपका 1,40,000 और 15 लाख से ऊपर 20,25,000 तक कितना आएगा 5,25,000 का 30% कितना आ रहा है 1,57,500 जोड़ के बताओ 2,97,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 11,900 ये कितना आ गया 309,400। यानी टोटल टैक्स कितना बनना चाहिए इसका, टोटल टैक्स कितना बनना चाहिए 3,09,400 अगर इसकी इतनी इनकम है तो। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या कुछ टैक्स आप काट चुके हो ऑलरेडी, किसी को समझ भी आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं। भाई आप ये देखो, पहले तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मेरे पास कोई जॉब लेने आया और उसकी सैलरी थी 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ, सीधी सी बात है, और मैंने सोचा था यही रखना है, मैंने पहले से नहीं सोचा था कि इसकी सैलरी बढ़ाऊंगा, यही रखना है। तो उसके हिसाब से मैं 10वें महीने तक इतना टीडीएस काटता था हर महीने, मैंने हिसाब लगाया भाई इतना टैक्स बनना चाहिए, हर महीने इतना काटता था और मैंने 10 महीने में इतना टीडीएस काट लिया, क्या यहां तक बात समझ आ रही है। और 11वें महीने में मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई जितना टैक्स बनता है उसका सैलरी से उतना टीडीएस पूरा काटना है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिकंसीडर करो इस चीज को कि भाई मेरी इनकम आ रही है कितनी सामने वाले की। अब दोबारा से दिमाग लगा रहे हैं कि इसकी इनकम तो आ रही है 21 लाख, अच्छा क्यों लगा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई तो उसकी इनकम आ रही है 21 लाख, 21 लाख के हिसाब से जो टैक्स बनता है 3,09,400, यानी पूरे 12 महीने में मुझे इतना टीडीएस काट लेना चाहिए था, पूरे 12 महीने में 3,09,400 काटना चाहिए था। लेकिन 10 महीने तो बीत चुके हैं और 10 महीने में तो मैं कुछ काट भी चुका हूं, कितना काट चुका हूं 10 महीने में 1,79,830, तो जो मैं काट चुका हूं उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको माइनस कर दो, इतना तो आप ऑलरेडी काट चुके हो, बाकी जो बच रहा है उतना काट के जमा करा दो आगे के 2 महीने में। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लेते हैं आप किसी से रोज 2-2 रुपए लेते थे, 10 महीने तक आपने मान लेते हैं हर महीने 2 रुपए लेते थे, 10 महीने तक 20 रुपए लिए और फिर पता चला यार इस पूरे महीने में तो इससे 30 रुपए लेने थे, तो 20 ऑलरेडी ले चुके हो तो अब और कितना लोगे 10 लोगे, अब 2 महीने बच रहे तो हर महीने 5-5 रुपए ले लो। तो वही क्वेश्चन तो यहाँ पे है,
पहले आप कम टीडीएस काटते थे क्योंकि आपको लगता था सैलरी कम होने वाली है, लेकिन 10 महीने बाद मुझे पता चला यार इसकी तो सैलरी बढ़ गई, और सैलरी बढ़ गई तो इसकी इनकम भी बढ़ जाएगी, टैक्स भी बढ़ जाएगा, और अगर इसका टैक्स बढ़ा तो मुझे इतना टीडीएस काटना चाहिए था ना, 3,09,400, लेकिन मैं ऑलरेडी कितना काट चुका हूं, 1,79,830 काट चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, बाकी जो मेरा बचा 3,09,400 में से 1,79,830 माइनस कर दो तो 1,29,570 रुपए, इतने रुपए बच रहे हैं जो मैंने अभी तक मुझे काटने पड़ेंगे बाकी के महीने में। तो बाकी के महीने कितने बच रहे हैं, 2 मंथ, तो मैं इसको 2 महीने में काट के कर दूंगा। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर देना और आ गया 64,785, अगले 2 महीने में इतना इतना काट लेना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए कई कंपनियां इतना झंझट ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि साल के बीच में किसी की भी सैलरी बढ़ना है ना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कई बार इंप्लॉय कहता है मैं जा रहा हूँ सर छोड़ के, अगर सैलरी नहीं बढ़ाए तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो आप सैलरी बढ़ा देते हो जो आपने पहले से डिसाइड नहीं किया होता। या फिर क्या होता है, मान लेते हैं किसी रीजन से वो बीमार हो गया, बीमार हो गया 1 महीने, उसने छुट्टी कर दी, अब छुट्टी कर दी तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी ना भाई, अगर आपने सैलरी के पैसे नहीं दिए उसको तो 1 महीने की उसकी सैलरी कम हो गई, सैलरी कम हो गई तो इनकम कम हो गई, और इनकम कम हो गई तो टैक्स भी कम बनेगा। तो अब जब वो आएगा, अब आप रिकंसीडर करो इसको और बाकी के महीने में कम पैसे काट। तो आपको बस ये देखना है कि मैंने कितना टीडीएस काट लिया और कितना बाकी है। अगर ये सारी चीज आपको समझ आ गई तो आप मैथ में तेज हो, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स वाला काम है। आपसे पूछा गया, हाँ जी, देखो नॉर्मली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी आप किस लाइन में हो। कई बार क्या होता है किसी किसी कंपनी में क्या होता है, सैलरी फिक्स नहीं होती आपकी, ये होगी कि जितनी आप काम करोगे उतनी सैलरी मिलेगी, अगर छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे, तो वो कंपनी उस हिसाब से रिकंसीडर करती है। तो आप लास्ट महीने में जाके टीडीएस एडजस्ट कर सकते हो, एकदम आखिरी महीने में। आप कह रहे हो बीच बीच में छुट्टी होती रही, किसी ने 5 छुट्टी कर ली, किसी ने 6 छुट्टी कर ली, या फिर कोई ओवर टाइम भी कर लेता है, तो अकाउंट्स लाइन में ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते आप, बट कई सारे ऐसे लाइन होते हैं जहां पे ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। तो अगर ओवर टाइम के पैसे मिल गए तो सैलरी बढ़ भी गई। तो कई बार क्या होता है, आप पहले से हिसाब नहीं लगा सकते कि मैं इतना टीडीएस काटूंगा, तो शुरू के 9 महीने तक तो आप हिसाब जो आपको ठीक लग रहा है वैसे काट लो, लास्ट के 3 महीने में आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक बात आएगी, मान लेते हैं हमने टीडीएस कम काटा तो क्या कोई दिक्कत होगी, जेल हो जाएगी क्या? नहीं, आपने टीडीएस कम काटा तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर 1,000-2,000 का ही कम हो, ये नहीं कि 5 लाख कम हो गया, ठीक है। और टीडीएस ज्यादा भी काट लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बाई चांस ज्यादा काट लेते हो तो सामने वाला अपनी आईटीआर फाइल करके रिफंड ले लेगा, ठीक है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? आप बोलोगे यार बात समझ नहीं, एक बार थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन कर दो। टाइम अभी कितना हो रहा है, ज्यादा टाइम है नहीं, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन है, मान लेते हैं भाई एक बार प्लीज सुन लो, मान लेते हैं मेरी सैलरी हुई 10 लाख रुपए, ठीक है, टोटल पूरे साल की, और मेरी और दूसरी इनकम थी लेकिन मैंने बताया नहीं एम्प्लॉय को, बताया अपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं, जिसके पास जॉब करता हूँ उसको नहीं बताया। इसने मेरा मान लेते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए का टीडीएस काटा। अब मत ये बोलना कि 1 लाख नहीं बनेगा ये वो, अभी समझो बात को, बस एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं इसने 1 लाख रुपए का क्या कर लिया, टीडीएस काट लिया, तो आपका जेब से कट के गवर्नमेंट के पास कितना जा चुका है, 1 लाख रुपए। आपको सैलरी मिली है 10 लाख रुपए और आपकी दूसरी इनकम भी होगी। अब मान लेते हैं आप अगले साल आईटीआर फाइल करोगे, कौन फाइल करेगा भाई, जिसको सैलरी मिल रही है वो अपनी इनकम बताएगा ना आईटीआर में। अब आईटीआर फाइल करेगा, और एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा नाम भी ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये मैं हूँ संतोष और ये आप हो नीतीश। मान लेते हैं मैं नीतीश को सैलरी देता हूँ, पूरे साल में मैंने नीतीश को 10 लाख रुपए की सैलरी दी है, और 10 लाख में मैंने 1 लाख काट लिया, तो मेरे नीतीश के पास कितने गए होंगे, सिर्फ 9 लाख रुपए, और 1 लाख का टीडीएस मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, यानी नीतीश के 1 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, नीतीश अपनी आईटीआर फाइल करेगा, नीतीश आईटीआर फाइल करेगा तो नीतीश बताएगा मेरी सैलरी से इतनी इनकम है, और फिर नीतीश बोलेगा भाई साहब मैं बताया नहीं था मेरी रेंटल इनकम बहुत सारी है, 10 लाख रुपए तो रेंट से आते हैं मेरे पास। तो ऐसे करते करते आईटीआर में मान लेते हैं इसने अपनी इनकम कितनी दिखा दी, 20 लाख रुपए, और टैक्स मान लेते हैं बन रहा है 1.5 लाख रुपए का, मान लेते हैं 1.5 लाख का टैक्स बन रहा है नीतीश, तो उसमें से नीतीश बोलेगा 1 लाख तो मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ। अच्छा कैसे जमा किया भाई, कैसे जमा किया, मेरा टीडीएस काट के मेरे एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया था, तो 1 लाख तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ना, तो आप मेरे से 50,000 रुपए और ले लो। तो अगर आपका टीडीएस कम कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। कब पे करना पड़ेगा, जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आपका टीडीएस कम कटा है सैलरी में या किसी भी चीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो आपका जो टैक्स बनेगा उसमें से टीडीएस अगर कम कटा है तो बाकी और आपको जेब से पे करना पड़ेगा, तो आप पे कर दोगे। अच्छा कई बार क्या होता है,
मान लेते हैं नीतीश की सैलरी मैंने सोचा 10 लाख रुपए दूंगा और नीतीश को मैंने जॉब दे दी, ठीक है, 6 महीने में मान लेते हैं मैंने 6 महीने तक नीतीश ने जॉब किया और मैंने इसको 5 लाख रुपए की सैलरी दी थी और मान लेते हैं 50,000 रुपए का टीडीएस काटा था, ठीक है, सपोज करते हैं 50,000 का टीडीएस काटा था। अब 6 महीने बाद नीतीश की लग गई लॉटरी कोई, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ही लॉटरी नहीं लगी, मान लेते हैं ऐसी लड़की से शादी हो गई जिसको बहुत पैसा है उसके, ठीक है, तो अब उसने बोला कि देखो तुम कहीं जॉब नहीं करोगे, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के पास जॉब करो। अब नीतीश ने बोला छोड़ो भाई बात खत्म, जिंदगी यहीं से शुरू होती है। अब नीतीश डिज्नीलैंड घूम रहा है, विदेश जा रहा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के भी मैचेज में जा रहा है, लाइव मैच देख रहा है। चलो आप एक बात बताओ, नीतीश की इनकम कितनी रह गई? 5 लाख, क्योंकि मैं तो 6 महीने तक 50,000 का टीडीएस भी काट लिया इसमें, 50,000 का टीडीएस काट लिया, मुझे तो लग रहा था पूरे साल काम करेगा, लेकिन 6 महीने काम करके इसने जॉब छोड़ दी। अब नीतीश अगले साल अपनी आईटीआर फाइल करेगा, करेगा ना भाई, आईटीआर तो फाइल करेगा, और नीतीश बोलेगा कि मेरी जो इनकम थी वो कितनी थी, सिर्फ 5 लाख, 10 नहीं थी, कितनी थी, 5 लाख, क्योंकि 6 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी, तो मेरी जो इनकम थी इसके हिसाब से टैक्स कितना बनता है, 0। लेकिन मैंने 50,000 रुपए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिए हैं, समझ आ रहा है भाई, मेरा टैक्स बन रहा है 0, पर मैंने तो 50,000 दे दिए क्योंकि मेरे पास जब जॉब करता था तो मैंने काट के जमा कर दिया था गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट के पास तो पहुंच गया। अब नीतीश ये थोड़ा जाके मोदी जी गेट कट कटाओ पैसे दो मेरे 50,000 आए हैं, ऐसे तो बोल नहीं सकता। अब आईटीआर फाइल करेगा, वहां बोलेगा मेरा टैक्स बनता है 0, लेकिन मेरा ऑलरेडी टैक्स जा चुका है कितना, 50,000, तो 50,000 रिफंड कर दो और गवर्नमेंट वो 50,000 रुपए नीतीश के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वापस कर देगी आफ्टर आईटीआर फाइलिंग, समझ आ रहा है। अच्छा अब आप बोलोगे जीएसटी की तरह मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि जीएसटी में पैसे वापस नहीं मिलते, इनपुट वगैरह मिलता नहीं है आपको, वो कुछ कंडीशन होती है जहां पे मिलता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन टीडीएस अकाउंट इसमें सॉरी आईटीआर में बड़ा आसान है, इनकम टैक्स में बड़ा आसान है। आपका जो टैक्स बन रहा है अगर आपने ज्यादा दे दिया तो वापस ले लो, तो जैसे यहां पे इस केस में टैक्स बन रहा था कुछ नहीं और ज्यादा टीडीएस कट गया तो वापस ले लेना 50,000 रुपए, वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, 1 महीने के अंदर में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे नॉर्मली 1 महीने के अंदर अंदर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो अभी आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप घबराओगे नहीं, किसी का टीडीएस थोड़ा ज्यादा कट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कट गया तो वो रिफंड ले लेगा, और अगर थोड़ा सा कम कटा तो क्या होगा उसको, और जब आईटीआर फाइल करेगा तो और जमा करना पड़ेगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यार मैंने सही से एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, पर ये नहीं कि किसी का 5 लाख टैक्स बन रहा है आप टीडीएस सिर्फ 1 ही लाख काटो, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भाई 5 लाख बन रहा है तो 4.90 तो काट ही लो या 5-10 काट लो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई छुट्टी कर रहा है, कोई ओवर टाइम कर ले रहा है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्या यहां तक बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट क्लियर है? अच्छा तो मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया और मैं आपको आगे भी नोट्स दूंगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी किसी ने जॉब चेंज की तो वो बताना बाकी है, लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पढ़ना कैसे। आगे के जो भी नोट्स मिलेंगे एक तो सेक्शन के साथ मिलेंगे, जैसे ये सेक्शन दिख रहा है ना सेक्शन 192, तो सेक्शन के साथ याद रखना पड़ेगा। तो 192 किसके लिए होता है बताओ जरा, सैलरी के लिए। और फिर एक बात सुनो, पेयर पेई और रेट, ये 3 चीज मैं लिखूंगा, पेयर पेई और रेट। पेयर का मतलब होता है जो पैसे देने वाला है, तो जो पैसा देने वाला है वो कौन दे रहा होगा तो टीडीएस काटना है, ठीक है। अब जैसे आप भिखारी को पैसे दे रहे हो तो टीडीएस थोड़ा ना काटोगे, 192 में आप बोलो सैलरी दे रहा हूं तेरे को, सैलरी नहीं है, 192 में टीडीएस कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, यानी कोई भी अगर सैलरी दे रहा हो, किसको दे रहा हो, पेई को, लेकिन ध्यान रखना वो पेई उसका एम्प्लॉई होना चाहिए, यानी उसके अंडर में वो काम कर रहा है, समझ आ रहा है, उसके अंडर में वो काम कर रहा है, एम्प्लॉई है उसका, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट मतलब इंडिया में रहने वाला, नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया के बाहर। अब नॉन रेजिडेंट इतना आसान नहीं होता, एनआरआई बोलते हैं जिन्हें, पूरी एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई कितने दिन इंडिया के बाहर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो मान लेते हैं रोहित शर्मा आया मेरे पास आईटीआर फाइल कराने, हालांकि मेरे पास नहीं आएगा बट फिर भी मान लेते हैं रोहित शर्मा आया, तो इंडिया के बाहर तो रहा है ना वो भी, मान लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई, 4 टेस्ट होने वाले हैं, तो 2 महीने तक रोहित शर्मा बाहर है, इंडिया के बाहर है 2 महीने तक टेस्ट खेल के, फिर इंडिया में आ रहा है, तो एनआरआई तो नहीं हो गया। तो इसकी एक लिमिट होती है कि भाई इतने दिन इंडिया के बाहर रहोगे तब आप एनआरआई बनोगे, यानी नॉन रेजिडेंट बनोगे, इतने दिन इंडिया के अंदर में रहोगे तो आप क्या बनोगे, रेजिडेंट, या फिर पिछले कुछ साल देखे जाते हैं। अब ये सब इनकम टैक्स का पार्ट है, मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, मान लो कि मैं 100 क्लास भी ले लूं तो आप बोलोगे कम है यार, 100 क्लास में भी इनकम टैक्स खत्म नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें टीडीएस में पता होनी चाहिए वो सब मैंने आपको बता दिया है।
मैं फिर से बोल रहा हूं, पेयर कौन होगा, कोई भी जो सैलरी दे रहा है, पे कौन, जिसको दे रहा है वो इंप्लॉई होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप किसी को इंप्लॉई को, जैसे मान लेते हैं मैंने किसी को ठेका दे दिया, वो मेरा इंप्लॉई नहीं है, मैंने ठेका दे दिया ये काम कर दो, तो क्या 192 में टीडीएस काटूंगा? नहीं, 192 में टीडीएस काटने के लिए वो मेरा क्या होना चाहिए, इंप्लॉई, चाहे वो इंडिया में रहता हो चाहे इंडिया के बाहर रहता हो। और रेट क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, भाई सब रेट क्या रहेगा, सैलरी पे टीडीएस काटोगे तो रेट क्या रहेगा, स्लैब रेट, कोई फिक्स रेट नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स के हिसाब से टीडीएस काटना है। अच्छा, कुछ बातें और मैंने आपको इनमें से समझा दिया है, जैसे ये वाला समझा दिया है मैंने, कंसीडर इनकम या डिडक्शन, यानी सामने वाला अगर आपको इनकम बताता है तो वो भी जोड़ना है, और कोई अपनी डिडक्शन देता है तो वो भी घटाना है, तो ये करने के बाद टीडीएस काटना है। अब ये दो तीन पॉइंट बच रहे हैं बताने के, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और अगली क्लास में हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, और एक और कोई सेक्शन हम शुरू कर देंगे, बल्कि खत्म भी कर लेंगे। अब आप बोलोगे यार 192 इतना मुश्किल है तो फिर आगे के सेक्शन और मुश्किल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे के सारे सेक्शन आसान आसान है, ऐसे हैं कि एक टॉपिक 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर जो सबसे मुश्किल होता है वो ये होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, तो आगे के जो सेक्शन है वो बड़े आसान आसान है, 192 सबसे टफ होता है, तो इसी को बताने में टाइम लगता है, आगे के सेक्शन बड़े इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आप घबराओ मत, और अभी तक जितना समझाया उनमें कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो हम क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम आगे की चीजें करेंगे, जैसे अगर जॉब चेंज कर रहा है तो क्या करना है। ठीक है, कुछ पूछना है, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ।